नारायण नारायण प्रभु, रमा अवतार में आपने शबरी के जूठे बेर खाकर एक भीलनी को समझिकता दी थी और आज इस परम अवतार में आप एक चंडालिनी के कर्म को श्रेष्ठ ठहराकर यह सिद्ध कर दिया है प्रभु कि यह संसार में कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य। अस्तो हाचन कर्म परमा प्रोति पुरुष, यदि मनुष्य कोई भी कर्म अनासक्त होकर करता है तो वह अपने किसी भी कर्म के द्वारा मुझे ही प्राप्त होता है देव ऋषि। नारायण नारायण। लीजिए काकी, भर भर कर खाइए, क्योंकि मेरी मैया अत्यंत स्वादिष्ट माखन बनाती है। काकी, हम दादा हैं, हमारे बाबा के पास एक लागी है, हमारे हाथों से भी खाइए ना काकी। प्रभु, राम अवतार में वो मैं ही थी जिसके प्रेम और चिंता में आकर आप शबरी को उनकी भक्ति का प्रतिफल देना भूल गए थे, तो आज अपने हाथों से उन्हें माखन खिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अपराध मुक्त हो गई। प्रभु, 97, 98, 99 और 100। अरे अरे काना, रुको मत, और बल लगा और। उस असुर उत्कच को एक दो पछाड़ लगाने का अवसर मैं तुम्हें भी दूंगा। बस जाओ बस। गली को एक सहज दंड बैठक लगाए बिना कहीं मत जाने देना। राधा, तुम ठीक कह रही हो, कान्हा को अखाड़े में ले चलते हैं। चलो कान्हा। हे प्रभु, मैंने कितने प्रेम से बेर चुने थे, लेकिन इस चंडालिनी के बेर किसने स्वीकार नहीं किए। प्रभु, आप स्वीकार कर लो मेरे बेर, मेरे प्रेम, मेरी भक्ति को स्वीकार कर लो प्रभु। जैसे भक्तों की ढेर सुन लेता हो वैसे वैसे ही मेरी पुकार सुन लो, मेरे बेर, मेरे बेर।